के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, आइए देखते हैं। आइए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनाया गया था कि रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन थे ऐसे। आइए देखते हैं, कहा गया था कि ये कुछ ऐसा फिगर बनाया गया था, एक बॉक्स बनाकर उसको काट दिया गया था ऊपर से ऐसे से। इसमें कितने उस दिया गया था, कितने त्रिभुज बन रहे हैं? तो इसमें लगभग 10 त्रिभुज बनेंगे। 1 2 3 4 5 6, फिर इनको मिलाकर 7 8 9 10। ठीक है ना, ये 10 फिगर बनेंगे, तो इसका आंसर 10 सही था। अब आगे चलते हैं। तो आगे दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि एक फिगर बना दिया था ऐसे, इसमें पंचभुज बना दिया था, ऐसे में एक ऐसा फिगर बना दिया था। कहा था कि इसको यदि 90 डिग्री वामावर्त घुमा दिया जाए तो कैसा बनेगा। तो वामावर्त, 90 डिग्री वामावर्त मतलब क्या, ये इधर इतना हो जाएगा, ठीक है ना। बस यही यही मैच करवाना था आपको, आप बता देते, बड़ा सिंपल था क्वेश्चन यार। फिर उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा गया था पासा से। एक खुला पासा का कुछ प्रारूप बना दिया गया था कि इस पासा में कौन सा सही पासा है। एक ऐसे बना दिया गया था बना, और कुछ ऐसे बना दिए गए थे। कुछ अल्पटांग तरीके से बना दिए गए थे। तो बताया गया था कि कौन सा पासा सही होगा, जिसमें से जाहिर सी बात है ये वाला पासा सही होगा। ठीक है, देख लीजिए, अपना आंसर मिलाते जाइएगा, और जो बता रहे हैं वो कोशिश कर रहा हूँ कि सही होगा, और सही क्या सही होगा ये कोशिश नहीं करूँगा, वो सही है ही। तो आइए आगे चलते हैं, और फिर इसके बाद आते हैं। तो आगे पूछ लिया गया था आपसे कि भारत में फलों के मामले में कौन सा स्थान है फलों के लिए। तो भारत का उसमें दूसरा स्थान है, ये तो सभी को पता होगा, ठीक है ना। फिर आगे पूछा गया था कि विश्व में मानक समय कितने भाग में बटे हुए हैं। तो जैसे तो मानक समय से दो क्वेश्चन पूछ दिए गए थे आधारित पर। एक मेरिडियन, हमें तो पता है कि हमारा मानक समय कौन सा होता है और कहाँ पड़ता है, लेकिन भारत की मानक समय रेखा मेरिडियन बताइए, एक ऐसे क्वेश्चन बना दिया गया था। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा पूरे विश्व में कितने कुल मानक संख्याएं निर्धारित किए गए हैं। ये दोनों क्वेश्चन थे, ठीक ना, बड़े आसान थे, आपने बताया। आगे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मतदाता मतदान देने के लिए जो 21 वर्ष की आयु होती है उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है, किसके तहत। तो हम सबको पता होगा कि वो संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन होता है, उसके तहत ये किया गया है। अब प्रसिद्ध भी बात है, कई बार क्वेश्चन आया भी हुआ है पेपर में। फिर एक क्वेश्चन आया था आपको हिंदी में गुड़ गोबर कर देना, और ये तो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं गुड़ गोबर कर देना, मतलब बना काम को बिगाड़ देना, कहावत का मतलब है क्या, बना काम को बिगाड़ देना। अकबर के नवरत्नों में से कुछ क्वेश्चन आए हुए थे कि अबुल फजल ने क्या लिखा हुआ है, मिलान करिए, एक था कि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ तरीके से बनाया गया था, लेकिन था तो सिंपल पढ़ा हुआ। ये थी कि टाइमिंग लग रहा था, क्वेश्चन पढ़ने में टाइमिंग लग रहा था, बड़े बड़े तीन तीन चार चार लाइन के हर क्वेश्चन में दिए गए थे, प्लस उसके साथ ऑप्शन भी दो दो लाइन की दिया गया था, तो पढ़ने में समय लग रहा था। तो आइए आगे देखते हैं। आगे कहा गया था 2011 के अनुसार यूपी की जनसंख्या कितनी होती है। तो यूपी की जनसंख्या 40-46 कुछ समथिंग था, तो उसमें दिया था लगभग 20 मिलियन, लगभग 40 मिलियन, लगभग ऐसे दिया था, तो आसान था बताना, है ना। फिर आगे पूछा था पुष्यमित्र किस वंश से संबंधित है। तो आपको दिया था सुंग वंश, तो ऐसे होता है, लेकिन उसमें लिखा हुआ था सुंगा वंश लिखा था। अब यही कंफ्यूजन था कि सुंग को सुंगा कहा जा रहा है, पता नहीं सही है कि नहीं, देखते हैं क्या होता है। वैसे तो आप जो आंसर लगाए होंगे वही से होगा, ठीक है ना। उसी में तो सुंग, मेरा थोड़ा सा हिस्ट्री थोड़ा सा लो है, ठीक है ना, तो लो नहीं कहा सकता है, मतलब है उतना भी, इतना भी लो नहीं है, लेकिन मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री नहीं है। फिर
अनुच्छेद 343 देखते हैं। अनुच्छेद 343 संबंधी पूछा गया था कि ये क्या है, तो हमें पता है कि हमारे क्या है, इसमें हमारे भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी को चुना गया है, तो वो है। और आगे चलते हैं, तो आगे पूछा गया था आपसे कि आगे पूछा गया था कि एकवचन और बहुवचन दोनों में कौन सा शब्द होता है, कौन सा ऐसा शब्द है दोनों एकवचन बहुवचन दोनों होता है, तो उसका ऑप्शन था सरसों। सरसों को एकवचन बहुवचन दोनों के रूप में प्रयोग करेंगे तो एक ही प्रयोग करना पड़ता है, ठीक ना। फिर आगे देखते हैं, तो आगे कहा गया था वह आप ही चला गया, वह आप ही चला गया मतलब स्वयं ही चला गया। आप तो यहाँ पर आप क्या है, किस प्रकार का सर्वनाम है, तो उसमें ऑप्शन देते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, ऐसे ऐसे ऑप्शन देते। उसका ऑप्शन क्या था, निजवाचक सर्वनाम, आप खुद लगा लेना, निजवाचक, निज वाचक सर्वनाम इसका आंसर था, ठीक ना। और आगे चलते हैं, तो कुछ वर्तनी वगैरह समास वगैरह पंचवटी से पूछा था, तो पंचवटी कौन सा समास होता था, आपको पता है पंचवटी इसमें पांच शब्द का प्रयोग किया गया है, तो पांच एक संख्या है, द्वि द्विगु समास हो जाएगा, डायरेक्ट आपको आंसर हो गया द्विगु समास। फिर आगे पूछा गया था कि अधिकार में कौन सी सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा गया था पंचवटी में समास नहीं पूछा था, पंचवटी में समास पूछा था तो हमें पता है द्विगु, अधिकार में समास नहीं पूछा था, अधिकार में आपको उपसर्ग पूछा था, तो हमें पता है अधिकार में कौन सा उपसर्ग है, अधि। फिर वर्तनी में पूछा गया था अध्ययन को चार रूप से लिखा गया था गलत तरीके से, तो तीन गलत थे उसमें से एक सही था, तो अध्ययन को ये सही था, ये वाला ऑप्शन, ठीक ना, मिला लीजिएगा आप लोग। फिर एक उत्तरदायी वर्तनी में शुद्ध आपको पहचाना था, तो उत्तरदायी वाला सही था। निंदा का विलोम पूछा गया था, निंदा का विलोम क्या होता है, स्तुति होता है। जिस पर आक्रमण होता है उसे क्या कहते हैं, तो जिस पर आक्रमण होता है उसे क्या कहते हैं, आक्रांत कहते हैं, जो आक्रमण करता है वो आक्रमणकारी कहते हैं, या ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछा गया था। फिर दिशा संबंधित प्रश्न पूछे गए थे आपसे, एक व्यक्ति पूर्व की ओर जाता है, क्वेश्चन मुझे याद है लगभग, फिर वो 180 100 नहीं, फिर उसके बाद वो अपने दाएं मुड़ता है, फिर 180 डिग्री दक्षिणा घूमता है, तो इधर आ जाता है, घूमता है वहाँ से वो 5 जाता है, ये 10 यहाँ से जाता है, ठीक ना। फिर यहाँ से फिर वो अपने दाएं बाएं जो भी हो इधर जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी थी, तो ये आएगा 5 आंसर था इसका, तो वही 5 आंसर। और अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो दिया था वो थोड़ा सा टफ था, कि एक व्यक्ति क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा लैंडस्केप में बताता हूँ, एक व्यक्ति क्या करते हैं कि इधर जाता है, उसी के घर से एक दूसरी महिला इधर जाती है, ये यहाँ से इधर जाती है, और ये यहाँ से इधर जाती है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बताना था, तो ये 12 जाते हैं, ये 12 जाते हैं, और ये 5 जाता है, ये 5 जाता है, तो क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज बन जा रहा है, 5 5 मिलाकर 10, ये 10 बनेगा, और ये तो फिर से बनाते हैं, ये एक फिगर ऐसे बनेगा जो कि सरल थे आपको पहुंचाना था, तो आपको एक आंसर बता देना था, ठीक है। फिर आपसे कुछ प्रश्न आपसे कुछ ऐसे पूछे जाएंगे थे कि कथन में पूर्ण धारणा है, कथन निष्कर्ष से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, कथन आसान थे प्रश्न, लेकिन थोड़े से क्या थे, टाइम टेकन थे क्वेश्चन, जो कि टाइम ले रहे थे।